नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है उसका रिटर्न कितना है, आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में कौन ज़्यादा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, और क्या चूज़ करना आपको बताने वाला हूँ एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी। तो वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जो है निफ्टी इंडिसेज डॉट कॉम आप ओपन कर लो, इंडिसेज पे आना। यहाँ पे आप सेक्टोरियल इंडिसेज दिख रहा है, इस पे आना। यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आके फैक्ट शीट पे क्लिक करना। यहाँ पे देख लो निफ्टी आईटी का जो फैक्ट शीट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको देखो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब 10 स्टॉक्स हैं इसमें। 1996 का बेस डेट लिया गया है, बेस वैल्यू था 100 रुपीज का, और मैं बताने वाला हूँ रिटर्न क्या है इसका। यहाँ पे देख लो जो आप बोलते हो टॉप 10 कंपनीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इन्फोसिस 28% होल्डिंग है, टीसीएस 25% होल्डिंग है, HCL टेक्नोलॉजी 9% होल्डिंग है, विप्रो 9% होल्डिंग है, टेक महिंद्रा 8.ऑलमोस्ट 9% होल्डिंग है, L&T यहाँ पे इन्फोटेक जो है 6% का होल्डिंग है, माइंडट्री का 5% का होल्डिंग है, एम्फेसिस का 5% का होल्डिंग है, कॉफोक का आपका 3% का होल्डिंग है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का आपका 3% का होल्डिंग है। तो आपको मिड कैप में जो आप पैसे डालते हो उससे अच्छा आप इसमें डाल दो, NETF IT में, या फिर कोई सेक्टोरियल आपका म्यूचुअल फंड्स है उसमें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो मोमेंटम आप शायद नहीं देख पाओ मिड एंड स्मॉल कैप में, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जो है आपका ऑलमोस्ट 25 से 30% मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज देख लिया आपने। यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ पे 2000 में आईटी क्रैश हुआ था, 10,000 का था वो, 1,000 रुपीज का लो गया हुआ था। तो सिंपल है, यहाँ पे इंडेक्स में सिर्फ इन्वेस्टेड होते, कंपनी कौन सी है, कौन सी चली गई, कौन सी थी नहीं है, उसको आपको टेक केयर नहीं करना। इंडेक्स देख लो, यहाँ पे 2000 में 10,000 का हाई गया था, यहाँ पे 2002 में 1,000 का लो गया है। ये सिंपल टर्म है, मतलब 90% इंडेक्स आपका डाउन है। तो सेक्टोरियल इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज ध्यान रखना, मोमेंटम और आपको टाइम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो रैली आपको सामने चार्ट पे दिख रही है। मैं आपको रिटर्न बता दूं, यहाँ पे देख लो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 39% का है, थोड़ा महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा हायर नोट में है, 12-13 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपकी सारी कंपनियां मतलब एवरेज जो है वो ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.34% का है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% का आपका डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पे बीटा देखो 0.77 का है, 1 से कम है, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये आपका इंडेक्स। लास्ट यहाँ पे आपका 1 ईयर का रिटर्न ऑलमोस्ट 60% का है, और डिविडेंड मिला के 62.35% का है। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 30% का है, डिविडेंड मिला के ऑलमोस्ट 33% का है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है इसका 1996 से, अगर मान लो आपने पैसे डाले होते और छोड़ा होता तो ऑलमोस्ट इसका रिटर्न जो है 26% का है। मैं डिविडेंड यहाँ पे ये जो है ऐड नहीं किया हुआ है, तो मैं मान के चलो ये 27% का जो है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड लगा के 27% का रिटर्न होता। तो मैं चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ आपको, 1996 का बेस वैल्यू था, 100 से स्टार्ट किया था, अभी इसका वैल्यू 40,000 पे है। 100 रुपीज इसने स्टार्ट किया हुआ था, इसका वैल्यू अभी 40,000 के आसपास है NETF IT का। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना था और छोड़ना था, सिंस इंसेप्शन रिटर्न 27% के आसपास। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 30 ईयर्स का नहीं है, 25 ईयर्स के लेता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो 25 ईयर्स, यहाँ पे देख लो जनवरी 1 से 1996 से ऑलमोस्ट 25 ईयर हो रहा है। तो 25 ईयर्स का मैं टाइम ले रहा हूँ, 30 ईयर्स का टाइम ले लिया था मैंने, 25 ईयर्स का मैं टाइम ले रहा हूँ। 25 ईयर्स में 27% CAGR पे, और आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यू होता ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट आपका 40 लाख का नेट प्रॉफिट होता। तो सिंपल टर्म है सर, उस समय जो है आपका 10,000 बहुत ही आपका मान लो कॉस्टली था। 25 ईयर्स पहले मान लो आपने 1,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किया होता तो 1,000 रुपीज का वैल्यू आज 4 लाख रुपीज के आसपास होता आपके आज के टाइम में। तो सिंपल टर्म है, 27% आपको CAGR रिटर्न आपको लास्ट 25 ईयर्स में मिला हुआ है। अगर मैं इसको आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए छोड़ दूं और रिटर्न यही एक्सपेक्ट करूं तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज का होता। अगर आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और आपने लगा के छोड़ दिया होता तो जो आपका वैल्यू है ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपीज से 1.3 CR का हो जाएगा। तो आपको टेक केयर करना नहीं था, कौन सी कंपनियां आई कौन सी कंपनियां गई, मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, मार्केट ऑल टाइम लो पे गई, कंपनियां डूब गई, कंपनियां बाहर आई, कंपनियां अंदर आई, आपको कुछ टेक केयर नहीं करना होता, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना था और छोड़ना था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्यों मैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ रिकमेंड करता हूँ? टाइम चाहिए, अगर आपको टाइम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर जो है उसमें फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर बोलोगे सर इतने इतने साल तक कौन रहने वाला है, तो आपका शॉर्ट टर्म में भी तो पैसा नहीं बन रहा। आपका शॉर्ट टर्म में पैसे बना रहे हो, आप इंडेक्स बीट कर रहे हो, फिर दिक्कत क्या है? तो आप या तो आप शॉर्ट टर्म में पैसे बना लो अपने पोर्टफोलियो पे, या फिर आप लॉन्ग टर्म में बना लो, वो जो होगा सो आपके पोर्टफोलियो पे दिखेगा। वो जो है आपको फिलॉसफी से काम नहीं चलने वाला, आपको फैक्ट चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में डिलीवर होना चाहिए वो। तो इंडेक्स बेस्ट है, आपको टेक केयर नहीं करना क्या है नहीं है इसमें।
अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है, मैं यहाँ पे आपको क्या जो सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी फंड है इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि आपको ETF लेना है या म्यूचुअल फंड्स लेना है। पहली बात, मैं चीज़ें अभी जो है ठीक हो रही हैं, मैं यहाँ पे स्नैपशॉट है रिटर्न पे आता हूँ। रिटर्न पे आने के बाद यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म और सिप, ध्यान रखना मैं चीज़ें एक क्लियर कर दूँ आपको। आप बोलते हैं सर जी सिप में और लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँ। लॉन्ग टर्म मतलब अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया छोड़ दिया, इसका देखो 5 ईयर्स का रिटर्न 33% का है। ऑलमोस्ट NETF IT का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 33% का है, डिविडेंड मिला के 33% का है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो NETF IT और म्यूचुअल फंड्स का ऑलमोस्ट रिटर्न जो है यहाँ पे आपको 33%, 26%, 35%, 30% और यहाँ पे आपका 35%। आपको लगता है कि कोई जो है 70% 80% रिटर्न दे सकता है? नहीं, आप इंडेक्स बीट कर लो, आप बहुत स्किलफुल इन्वेस्टर हो, सिंपल टर्म में ये समझो। तो यहाँ पे भी रिटर्न जो है इंडेक्स का वो आपका 33% का है लास्ट 5 ईयर्स का। ये सब भी रिटर्न जो है 33-34% के आसपास का है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अगर आप लमसम करोगे तो 33%, 34%, 26%, 34%, ध्यान रखना ये जैसे ही आप सिप करूंगा मैं चेंज हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा। 33%, 25%, 34%, 37%, 38%, 27%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जैसे ही आप जो है सिप में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका रिटर्न जो भी लमसम का है उससे 2 या 3% आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अगर आपको लगता है कि लमसम में ज्यादा रिटर्न बनेगा, मार्केट रैली छूट जाएगी मेरी, तो सिंपल टर्म है यहाँ पे देखो। मैं यहाँ पे एक ही लेता हूँ, को 2 बार 3 बार नहीं देखना। यहाँ पे देखो रेगुलर या फिर डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट का जो है ABSL डायरेक्ट का जो है इसका रिटर्न है 33% का लास्ट 5 ईयर्स में। मैं सिप कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना ABSL डायरेक्ट का रिटर्न हो गया 39% का। कहाँ 33%, कहाँ 6% आपका रिटर्न जो है 5% रिटर्न आपका इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों होता है कि मान लो मार्केट नीचे है तब भी आप ऐड करते हो, ये बेनिफिट हो जाता है। तो मार्केट रैली कुछ टाइम के लिए करती है, मार्केट साइडवेज में और डाउनफॉल में ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो आप सिप मोड में एक्यूमुलेट ज़्यादा यूनिट कर लेते हो कम प्राइस पे या डाउनफॉल प्राइस पे। इसीलिए हमेशा जो है मैं प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है हर का मैंने बनाया हुआ है, लमसम और सिप में जो है रिटर्न आपका हमेशा डिफरेंस रहेगा 2% 3% एक्स्ट्रा का। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे देख लो डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट मतलब खुद से आप चूज करते हो, कोई आपका एडवाइजर नहीं है। रेगुलर में आपका एडवाइजर है, वो 1% आपसे कमीशन लेता है, लेकिन आपको एडवाइस अच्छा देता है और आपको एडवाइजर रखना है तो आप रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका एडवाइजर कैसा है। तो यहाँ पे आपको 1% का डिफरेंस रहेगा, आपको रेगुलर में कम रहेगा 1% रिटर्न, डायरेक्ट में ज़्यादा रहेगा। देख लो डायरेक्ट का रिटर्न 38.39 है, रेगुलर का रिटर्न 37% का है। अब मैं यहाँ पे आना हूँ फ्रैंकलिन में, 28% डायरेक्ट का रिटर्न है, रेगुलर का रिटर्न 27.79 का है, 1% का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लो सिस टेक्नोलॉजी फंड में 41% का रिटर्न है आपका लास्ट 5 ईयर्स में, 39% का है रेगुलर में, मतलब 1% का ऑलमोस्ट जो है डिफरेंस यहाँ पे कम रहेगा। समझ गए? तो ये जो है निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न जो है ये भी आपका लमसम रिटर्न है, तो ध्यान रखना ये सिप नहीं है। तो सिप जैसे ही आप करोगे इसका भी रिटर्न 33% का है, 37-38% का हो जाएगा। तो ये भी जो NETF IT है आपका, उसका भी रिटर्न ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके आसपास का ही है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट क्या बता दे रहा हूँ आपको, मैं टाटा डिजिटल फंड में ओपन कर देता हूँ, रेगुलर वाला और डायरेक्ट वाला यहाँ पे देख लो, और मैं एक्सिस बैंक से डायरेक्ट फंड में ओपन कर रहा हूँ और रेगुलर फंड ओपन कर रहा हूँ। ये जो अच्छा काम हुआ है इसमें यहाँ पे देख लो, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है देखो यहाँ पे 0.1.97 का है, ये रेगुलर का है। रेगुलर मतलब ये कमीशन जो है जो भी डायरेक्ट का यहाँ पे रिटर्न है, देखो डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.38 है, मतलब 0.38 से ऊपर जितना भी पैसा है वो जाएगा आपको कमीशन आपके एडवाइजर को। यहाँ पे आपका 1.97 है तो 0.38 से ऊपर जितना भी पैसा है वो जाएगा आपके एडवाइजर को। एडवाइजर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अपना खुद से ही आप चूज करो, डायरेक्ट फंड ले लो। सेक्टोरियल फंड में समझ गया मैं, अगर ये एक्सपेंस रेशियो हाई रहता तो ये रिटर्न जो है बीट कर पाना बहुत मुश्किल था इंडेक्स को, तो इन्होंने बहुत कम कर दिया क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप म्यूचुअल फंड या जो भी है इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, मैंने बता दिया डिफरेंस। यहाँ भी देख लो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.181% का है डायरेक्ट का, और रेगुलर का देख लो कितना है, रेगुलर का यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा होगा आपका 2.06% का। तो मतलब 0.81% से ऊपर जितना भी रिटर्न आएगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो है, जितना भी एक्सपेंस रेशियो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है वो आपके एडवाइजर को जाने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का जो है AUM मेंटेन कर रही है कंपनी। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक्सपेंस रेशियो हाई रखती तो रिटर्न में दिक्कत होता है इसको, इसलिए सेक्टोरियल फंड में आपका जो है एक्सपेंस रेशियो कम है। आप चूज कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ NETF IT मेरा जो है स्टार्टिंग से ही जो है मैं इंडेक्स प्रेफर करता हूँ, ETF प्रेफर करता हूँ, इंडेक्स फंड प्रेफर करता हूँ। चीज़ें लॉन्ग टर्म में जो है इंडेक्स ज़्यादा वर्कआउट करेंगी आपको बजाय शॉर्ट टर्म के। तो यहाँ मैंने बता दिया सिंस इंसिपन रिटर्न बता दिया, आपको जो भी चूज करना चूज कर लो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर खुद से स्टॉक चूज करते हो तो ये बीट करना।
आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका खुद का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, और आपका खुद का ऑब्जेक्टिव है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। मैं बताता हूँ सर, इंडेक्स बीट करना मतलब क्या होता है। यहाँ पे मान लो 33% रिटर्न है, मान लो आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, मैं रिटर्न 5 ईयर्स का टाइम लेता हूँ, मैं 5 ईयर्स का टाइम यहाँ पे ले लिया, आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल रिटर्न 33,000 का हुआ है, 23,000 का प्रॉफिट हुआ है, तब आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो आप सीधा इंडेक्स फंड में पैसे डाल दें। अगर आप इंडेक्स बीट करने लायक हैं, अगर आपसे इंडेक्स बीट हो रहा है पोर्टफोलियो में, तब तो ठीक है, आप जो कर रहे करें, आपको जो एक्सपर्टीज है वो करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको समझना होगा क्या करना नहीं करना है। मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, क्या आपका वैल्यू 2.5 लाख, 2.3 लाख के आसपास हो रहा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आपका लास्ट 5 ईयर्स में, और आप IT कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो 3.3 लाख या 3.5 लाख के आसपास हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छा कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है, लॉस में हो, या फिर 2 लाख के, 1 लाख के प्रॉफिट में हो, 50,000 के प्रॉफिट में हो, तो सोच लो। इसको बोलते हैं इंडेक्स बीट करना, कि जो भी आपका रिटर्न है उसको आप चूज कर लो। NETF IT NiftyIndices.com पर जाओ, जो भी सेक्टर देखना है आपको देख सकते हो। तो मैंने बता दिया है, ऐसे करके आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पर आकर पूछ लेना सर। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे देखे ज्वाइन कर लो। तो के लिए दोस्तों धन्यवाद।